हमने कुछ इस तरह डाल दी अंदर। FM व्हाट्सएप कैसे आप सब लोग। तो हमारा भाई आया है साहिल, महाराष्ट्र अकोला से, जो महाराष्ट्र में है। तो वहाँ से आया मेरा भाई और हमने इसको कहाँ लेके आया भाई, अपने कहा ये घूमने है। हम हमारी जो हमारी बाइक है हमारी 220, जिसके अंदर हम 1000 स्विच डलाने आए हैं और चार तरफ से इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। तो इसकी स्विच जो है हमने इमाम अपने समीम भाई के वहाँ डलाई थी, तो ये स्विच चल नहीं रही है। देखो बहुत ये स्विच बहुत ख़राब है। ये देखो ये चल रही है जो हमने लाइट डलाई, ये चल रही है स्विच, बाकी ये ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला बदल दो, तो चलो बदल देते हैं। सानू भाई आते हैं तो ठीक है। और कैसे हो सानू भाई? भाई लाइट मेरी बदल के दोगे कि नहीं दोगे स्विच? क्या मैं जाऊँ? हाँ तो ठीक है। तो देखो हमारे सानू भाई ने चालू कर दी हमारी। चलो सानू भाई जाता हूँ। माए साहिल का कवर लेना। साहिल क्या लेना है? कवर मुझे कवर के लिए इतनी दूर ले गया तो मेरे को ले ले जल्दी। ये देखो हमने ये बनाई थी जनकार बैंड। किसकी है ये? उमेश भाई। कैसी उमेश भाई कैसी बनी? अभी ये हमने बनाई थी। तो देखो ये अंदर सिस्टम फिट करा है इसके अंदर कंप्लीट ऊपर तक। और पीछे ये देखो इस तरह पूरी डिज़ाइन हमारे मेरे हाथ की है। तो बताना कैसी बनी है। तो अभी फाइनली बजाने वाले। भाई कैसा लग रहा है दिखने में? तो धवल भाई के रिसेप्शन में यही बजाने का है। हाँ चालू कर रहे ना, तो फिर मेरा सॉन्ग बजाएंगे वो फेवरेट सॉन्ग। तो उमेश भाई चालू करने वाले हैं, जो हमने देखो यहाँ भी बनाया है कि यहाँ पे इंसान ड्रम बजा सके, उधर जो पियानो बोलते हैं ना उसको पियानो बजा सके ना, सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। और ऊपर स्पेस बनाया है और जनरेटर ठेठ ऊपर जनरेटर है। नहीं देखो बैंड, ये हमारे झनकार बैंड। तो भाई देखो इनका नंबर ये है, तो ये मैंने बनाया है तो पैसे कम ही करेंगे ये। ये अहमदाबाद में अगर इसको लगाना हो तो कॉल करना मेरा नाम लेके। कुछ बात आई कि पीयू फॉर्म है ना, पीयू फॉर्म जो लगता है ना, वो पीयू फॉर्म जो आपने फ्रिज में देखा होगा कि हमारे फ्रिज आइसक्रीम के फ्रिज और घर के फ्रिज के अंदर जब अपने उसको तोड़ते हैं या लीकेज होता है खबर है, अंदर वो फॉर्म होता है, जो फॉर्म होता है जो ठंडक को रोकता है और हीटिंग को भी रोकता है। तो वो पीयू फॉर्म इस पर लगाएंगे। तो अभी भाई हमारे धवल भाई का कुछ आइडिया है, तो अभी पीयू फॉर्म लगाएंगे इसके ऊपर। और पीयू फॉर्म लगा के बॉडी बनाएंगे, तो ये ले जा रहे हाथी जन, क्योंकि यहाँ पे मट्टी वट्टी उड़ती है, सब उड़ता है और हमारी दुकान का स्पेस कम है। तो ये वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ वीडियो में देखना कि वहाँ काम हो रहा होगा और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बन रहा होगा। तो चलो प्यू फॉर्म लेके आते, फिर बताते हैं उसको प्यू फॉर्म क्या होता है। तो भाई सोहिल भाई लेके आ गए हैं गाड़ी, और 7 दिन के लिए यार जा रही है हमारे से दूर। रोना मत, अच्छे से काम करना, संभालना अपने को। हाँ हमने कुछ इस तरह डाल दी अंदर। हमारे साजिद भाई की अभी मैंने गाड़ी खोली थी, तो देखो क्या खबर ये कहाँ का डिस्टेंस है, पर मीन नीला हमने पूरी बॉडी फिटिंग कर दी, कंप्लीट आ गई। तो इनकी गाड़ी में इनकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी कि इनका जो हेड है, देखो ये हेड है, ये हेड का इसके अंदर से रबर निकल गया है,
तो भाई आवाज़ सुनाओ इसकी, हेड की आवाज़ सुनाओ कि किस तरह आवाज़ आ रही है। ये जो टक 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 आवाज़ आ रही है, टक टक जो आवाज़ आ रही है वो हेड की आ रही है, जो हेड है यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसका ऑयल सील निकल गया है। तो ये भाई जाएंगे साजिद भाई, हमारे जो सोहिल भाई है, सोहिल भाई से कराएंगे। तो चलो, तो अभी हम जा रहे हैं रफीक भाई के साथ। तो रफीक भाई का जो आगे का मैकव्हील है, तो वो मैकव्हील का डिस्टेंस बनाना है। तो रफीक भाई ने बोला चलो साथ में तुम इमाम भाई के पास, तो इनको डिस्टेंस बना देते हैं। तो चलो बताते हैं इमाम भाई से मुलाकात करते हैं। भाई कैसे हो? खैरियत? तो भाई तुम्हारे पास काम कराने आया हम डिस्टेंस का, हमारे रफीक भाई की गाड़ी का, हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस देखो, इधर तरफ लगाना है ये तरफ, ये कैलिपर खोल रहे हैं भाई। इमाम भाई हो जाएगा ना काम? हाँ तो बस ये कैलिपर खोलो भाई जल्दी फटाफट। खोल दे दो भाई, अब भी ठीक करके देता हूँ। ये दोनों दो बनाने पड़ेंगे, ये अगर बराबर है तो कोई भी एक नहीं, बराबर नहीं है। ढीला पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा। पलेट पिना दूं खाली चेक करने के लिए? पिना, छोड़ दो व्हील। लगाओ पुलिस, अब कैलिबर लगा के देखो, ये कैलिबर अब लगेगा नहीं। ये इधर आता है, इसका डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। इसको इधर ही रहने दो, मेरी बात मानो तो इसको इधर ही रहने दो। बस सेटिंग खराब है, क्यों कह रहा है मैं तुमको बताओ अपनी साइड स्टैंड पे गाड़ी। तो ये देखो हमने कैलिपर और ये दे दिया है, इमाम भाई बना के दे देंगे और इमाम भाई कॉल करेंगे वो बना के दे। चलो अच्छा हमारे रफीक भाई का काम हो जाए, वो बेचारे यार खेले खेले घूमते हैं, तो बोला चलो साथ में जाते हैं, ये काम करा देते हैं। और धवल भाई भी बिजी है जरा, आती जंग है, तो बोला चलो आपके साथ चलता हूँ मैं। तो अभी चलते हैं देखो धवल भाई के पास। तो फाइनली हम जा रहे हैं, मैंने आपको जैसे बोला था कि धवल भाई के पास, तो धवल भाई के पास जा रहे हैं। वो जब यहाँ से गए थे तो मेरे को बोले फैजान भाई आओ, और अभी मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला आओ, पर मैंने उनका कॉल काट दिया। तो उनको सरप्राइज़ देना है कि मैं आया हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल, मेरे को धवल भाई को खबर है मैं इतनी दूर आता जाता नहीं हूँ, कभी काम रिहा होता है तो भी मैं नहीं जाता हूँ। और अभी धवल भाई का, धवल भाई बोल रहे आना आना, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो मेरे साथ है मेरा भाई नौमान, जो नौमान है वो है मेरे साथ, तो इसको लेके जा रहे हैं हाथीजन। तो चलो जाते हैं। तो अभी हम रास्ते में, देखो हमारे को एक स्प्लेंडर वाला दिखा है, बंद कर। ये हाथीजन सर्कल हम आ गए हैं, ट्रैफिक कितना है हाथीजन सर्कल पे। और हमारी देखो फॉक्स जो हमने डलाए थे, देखो फॉक्स ये बंद हुआ ये चालू हुआ, तो हमारे फॉक्स बहुत अच्छे हैं। तो चलो धवल भाई के पास आ गए। तो भाई कैसा लगा सरप्राइज तुम्हारा फ़ोन काटे बाद? मज़ा आ गया, बोला आपको सुबह से याद कर दे। अरे बुरा भाई आओ ना, और साजिद भाई मेरी जान, क्या है भाई? तो भाई कैसा लगा सरप्राइज? तो मेरा फोन काटा तो कुछ रीजन था ना मेरा फोन काटने का? आने वाले भजन देगी, बस चक्कर लगाने रहेंगे। काम करते हम सर। किसका? क्या कर रहे थे? रफीक भाई के साथ गया था डिस्टेंस का, उनका बोले तुम चलो तीन चलो, नहीं इमाम भाई को देख के आ गए खाली।
विमान भाई बोले मैं कर दूंगा भाई, मैंने बोला छोड़ो मेरे को जल्दी, तो मेरा जाना धवल भाई पास है सीधा। नहीं मैं तो मेरे रास्ते से आया। तो अभी हम फाइनली घर पहुंच गए, नोमान भाई नहीं है, हम दोनों घर पहुंच गए नोमान। तो फाइनली नोमान भाई और हम घर पहुंच गए गए। तो ठंडी तो कितनी थी, कितनी थी ठंडी भाई? नोमान भाई हाथ दो, हाथ लगा, हाथ सुखड़ गए। तो तुम कर क्या रहे हो नोमान भाई? ये निकाल रहे हो अंदर से क्या डोरी, चाइना उतरा। देखो ये चाइना डोरी है जो पतंग चढ़ाती है, चाइना डोरी फंस जाती है इस तरह। तो ये भाई नोमान भाई हमारे निकाल रहे, अखे रास्ते हमारे को प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज़ आ रही थी नहीं इसकी, अखे रास्ते आवाज़ आ रही थी डोरी की। तो नोमान भाई ये डोरी निकाल रहे, तो फाइनली डोरी। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू नोमान भाई, डोरी निकाल दी तुमने उधर भी क्या। और हम जल्दी इसलिए आ गए कि ठंडी बहुत थी बाहर, और यहाँ पे अहमदाबाद में जो 10 बजे का कर्फ्यू, 10 बजे का है ना नोमान, 10 बजे का कर्फ्यू है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। तो वीडियो कैसी लगी बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हमारा वाला डायलॉग, हैप्पी स्वीट ड्रीम्स।